लंपी वायरस मानव गोवंश को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है। राजस्थान के कई जिलों में लंपी के कहर से गोवंश के मरने का सिलसिला जारी है। सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। राजस्थान के 33 जिलों की बात करें तो गोवंश समेत मरने वाले मवेशियों की संख्या 5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये तो सरकारी आंकड़ा है, जमीन पर हालात तो और भी बदतर बने हैं। गाय बछड़ों के साथ अब ये बीमारी भैंस में भी तेजी से पनप रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में दूध का उत्पादन तेजी से घटने लगा है। अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ दूध का कारोबार लगभग चौपट होने की कगार पर आ चुका है। डेयरी संचालक अब लंपी को लेकर काफी चिंतित हैं। लंपी की वजह से लगभग 40% पशुधन कम हो गया है, दुधारू गायें कम हो गई हैं और गायों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जो गायें ठीक भी हो गई हैं, 20% के लगभग गायें जो ठीक हुई हैं, उनका भी दुग्ध संकलन, जो प्रोक्योरमेंट जो है, दूध उत्पादन जो है, वो बहुत कम हो गया। वो 20% के आसपास रह गया प्रोक्योरमेंट। जब तक गायें पूरी रिकवर नहीं होंगी तब तक हम आशा नहीं कर सकते कि इनका प्रोक्योरमेंट भी या दूध संकलन या दूध उत्पादन इनसे गायों से बढ़ पाएगा। अपने दूध उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है? अपने दूध उत्पादन में लगभग 50% का प्रभाव पड़ा है। बाकी प्रोडक्ट के घी बटर वगैरह उनपे चूँकि उत्पादन कम हो गया और अभी ये सीज़न फेस्टिव सीज़न है, त्यौहारों का सीज़न है, इस वजह से इस सीज़न में दूध का कंजम्पशन भी काफ़ी है और घी की उपलब्धता बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर है, क्योंकि दूध का उत्पादन बहुत कम हो गया है, इस वजह से घी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। लंपी पशुओं में तेजी से फैल रहा है, लेकिन डेयरी संचालकों की माने तो जो गायें लंपी से ठीक होकर दोबारा दूध दे रही हैं, उनके दूध के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि लंपी जानवर से जानवर में ही ट्रांसफर होने वाली बीमारी बताई जाती है। क्योंकि गायों से आदमियों में ये ऐसा ट्रांसमिट नहीं हो सकता और इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि जानवरों से आदमियों में ट्रांसफर हो सके, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं। सर, जून में कितना दूध लीटर पर डे आता था और जुलाई में कितना, अगस्त में कितना फर्क पड़ा है? जून में 90,000 प्रोक्योरमेंट था हमारा और एज ऑन डेट जो है 45,000 प्रोक्योरमेंट है और आगे फेस्टिवल सीजन में और भी प्रोक्योरमेंट कम होने की संभावना है और गुंजाइश जो है बढ़ जाएगी। गायों के उत्पादन की ये कम उत्पादन की टाइम है। ये गोवंश बड़ी संख्या में लंपी रोग की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से गायों में दूध का उत्पादन भी कम हो रहा है। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, लिहाजा अब दूध का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आगे भी दूध के दामों में इजाफा हो सकता है। रेटों में अभी और जगह पर तो 2 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन अपने जून से अब तक एक महीने पहले लगभग 2 रुपए बढ़ाए थे टोट मिल्क में और उसके ज़्यादा अपने को उतार चढ़ाव आया नहीं है। और अधिकतम दूध रेट जो दे रहे हैं 760 रुपये प्रति किलो फैट पर दे रहे हैं हम, और उसमें भी अभी वापस और बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि लंपी वायरस को देखते हुए दूध उत्पादकों का मनोबल भी टूटा है और उनको सहायता की भी आवश्यकता है, अतः 20 रुपये पर केजी फैट पर हम लोग बढ़ाने की। लंपी से मवेशी इतनी बड़ी संख्या में मर रहे हैं कि इन्हें दफनाने के लिए ज़मीनें तक कम पड़ रही हैं। बाड़मेर, बीकानेर समेत कई जिलों में तो शहर के बाहर डंपिंग यार्ड में मवेशियों के शवों को खुले में ही फेंक दिया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलने के साथ ही बीमारी के फैलने की भी आशंका बढ़ गई है। बारिश में खुले में सड़ रहे मवेशियों के शव आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं। अगर जल्द इंतजाम नहीं किए गए तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जालौर से नरेश बिश्नोई के साथ जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।